इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विख्यात प्राचीन जिला स्तरीय काठगढ़ मेले का समापन हो गया है। 3 दिन तक चले इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन किए, तो वहीं लंगर सेवा लगाने वालों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस कड़ी में सुप्रसिद्ध सरसों तेल के कारोबार करने वाले पी मार्का कंपनी ने भी श्रद्धालुओं के लिए चाय पकौड़े के साथ लंगर सेवा की, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने लंगर का आनंद लिया। प्लांट हेड दिनेश कुमार सिंघा ने बताया कि पी मार्का एक सुप्रसिद्ध कंपनी है जो सरसों के तेल के साथ रिफाइंड ऑयल और देसी घी के उत्पादन करती है। उन्होंने बताया कि ये कंपनी की ओर से श्रद्धा भाव का प्रयास था, जिसके जरिए इस सुप्रसिद्ध मेले में दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा पिछले 2 दिन से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाया गया था, जो आज समाप्त हो गया। इस प्रयास को आगे भी जारी रखा जाएगा। टीम मार्गा की तरफ से अपनी टीम के साथ दिनेश कुमार सिंघल प्लांट हेड के नाते एक कारगर शिवरात्रि में एक पब्लिक की सेवा करने का मौका मिला है। जो शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का अपना प्रोग्राम है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, और हमारी पी मार्गा 1935 से ये पब्लिक की सेवा करती हुई आ रही है। एक ये पब्लिक का विश्वास ही है जो इतना लोगों का साथ मिल रहा है, और एक पब्लिक के बीच में जाने का एक छोटा सा जरिया है, एक छोटा सा लंगर लगा के हम लोग पब्लिक की एक सेवा कर रहे हैं। तो ये पब्लिक के बीच में इनसे आपस में बातचीत करने का और आपस में अपने प्रोडक्ट के बारे जानकारी लेने का भी एक जरिया है, जो एक अच्छा इससे वो मिलता है, पब्लिक का विश्वास मिलता है, तो पी मार्का को एक अच्छा उसमें सहयोग मिलता है इस चीज से। तो पब्लिक का एक ही विश्वास है, जो इस हिसाब से पब्लिक हमारे बीच में आ रही है और हमें एक सेवा करने का मौका दे रही है, तो इसी के साथ मैं समझता हूँ पी मार्का की तरफ से पूरी टीम को, अपने पूरे कारगढ़ सभा को धन्यवाद है जो ऐसा आयोजन होता है और महाशिवरात्रि का पर्व करने का हमें सौभाग्य मिला है।